अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत से कैजुअल वेयर मैक्सी डिज़ाइन दिखाऊंगी। डिफरेंट फैब्रिक के साथ आप ये डिज़ाइन देखेंगे। कॉटन के साथ भी हैं, लिनन के साथ भी हैं, जर्सी पर भी हैं, वेलवेट पर भी हैं, शिफॉन पर भी हैं, नेट पर भी हैं। आपको हर तरह के फैब्रिक पर मैं डिज़ाइन दिखाऊंगी। मैक्सी डिज़ाइन कैजुअल वेयर फ्लावर लेंथ हैं, बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन। तो व्यूअर्स, वीडियो तक जरूर देखिएगा। आपको उसमें प्रिंटेड भी और प्लेन भी दोनों तरह के डिज़ाइन नजर आएंगे। लाइनिंग के साथ भी हैं, देखें टसल्स के साथ भी हैं। ये देखें सिल्क पर है लाइनिंग के साथ, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन। चेक प्रिंट के साथ भी आप देख रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, फ्लावर प्रिंट के साथ भी आपको नजर आएंगे। इसमें डिफरेंट टाइप से बहुत ही प्यारे प्यारे से कैजुअल मैक्सी डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। व्यूअर्स, लेयर्स के साथ, रफल के साथ आपको डिज़ाइन नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत से आपको मैक्सी डिज़ाइन इस वीडियो में दिखा रही हूँ। डिफरेंट कलर्स के साथ, डिज़ाइनिंग के साथ, बहुत ही प्यारी सी डिटेलिंग के साथ। ये देखें व्यूअर्स, कंट्रास्टिंग में भी आपको नजर आएंगे। पैनल के साथ भी आप देखेंगे, एम्ब्रॉयडरी के साथ भी आप देखेंगे। ये देखें लेस के साथ, तो व्यूअर्स मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।